नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 3 देखेंगे। आज का फर्स्ट पॉइंट है हेक्सा। इसके द्वारा सख्त वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी भिन्न भिन्न आकार वाली धातुएं, पाइप, सीट आदि काट सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेक्सा फ्रेम। इसके पार्ट्स हैं फ्रेम, विंग और फ्लाई नट, टेंशन स्लाइडिंग, पिन और प्रोंग्स, हैंडल। आईएसआई के अनुसार इसके प्रकार हैं ए बी सी डी एंड ई। ए है ओपन ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, बी है क्लोज्ड ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, सी है स्ट्रेट एज एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, डी है स्ट्रेट एज नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, ई है डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। नेक्स्ट पॉइंट है हेक्सा ब्लेड। यह एक स्टील की पत्ती होती है। इसके एक या दोनों किनारों पर वी आकार के दांते कटे होते हैं। ये हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन स्टील या लो अलॉय स्टील के बनाए होते हैं तथा हार्ड एवं टेम्पर किए होते हैं, परंतु दोनों ओर के छिद्र वाले भाग नरम होते हैं। इसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं? लेंथ, विड्थ, थिकनेस और पिच से। एग्जांपल दिया हुआ है 300 × 13 × 0.63 × 1 mm। आम कामों के लिए लेंथ 25 से 300 mm तक होती है, विड्थ 13 से 16 mm तक होती है, थिकनेस 0.63 से 0.80 mm तक होती है। इसके प्रकार हैं ऑल हार्ड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड, स्प्रिंग बैक टाइप एंड फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप ब्लेड। ऑल हार्ड ब्लेड में छेद वाले भाग को छोड़कर बाकी भाग को हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। फ्लेक्सिबल ब्लेड में केवल दांत हार्ड एवं टेम्पर किए होते हैं। ये अधिक प्रयोग में लाई जाती है। झटकों को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। स्प्रिंग बैक टाइप एंड फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप ब्लेड हार्ड और फ्लेक्सिबल के मध्य प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट फॉर हैंड ऑपरेटेड ब्लेड्स। फर्स्ट है ऑल हार्ड टाइप ब्लेड्स। ये टेस्ट करने के लिए 250 mm डायमीटर का एक टेस्ट ब्लॉक लेते हैं और इसके चारों तरफ ब्लेड को लपेट देते हैं, और जब उसको रिलीज़ करते हैं तो ब्लेड पे कोई परमानेंट फ्रैक्चर नहीं आता है। सेकंड टाइप है फ्लेक्सिबल टाइप। इसमें 63 mm डायमीटर का टेस्ट ब्लॉक लेते हैं। इसमें जो हार्ड एंड है उसको छोड़कर बाकी ब्लेड को लपेट दिया जाता है, और जब रिलीज़ करते हैं तो कोई भी फ्रैक्चर ब्लेड पे नहीं दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट है स्प्रिंग बैक टाइप एंड फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप। इसमें 100 mm डायमीटर का टेस्ट ब्लॉक लेते हैं और हाफ हाफ पार्ट डायमीटर के अलोंग लपेट दिया जाता है, और जब ब्लेड को रिलीज करते हैं तो उस पर कोई परमानेंट फ्रैक्चर नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेक्सा ब्लेड्स अकॉर्डिंग टू ग्रेड। आईएसआई के अकॉर्डिंग दांते से दांते के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, और ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 inch में दांतों की संख्या को पिच कहते हैं।
कोर्स ब्लेड में है पिच 1.8 mm। इसका प्रयोग मुलायम तथा मोटी धातुएं जैसे माइल स्टील, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम इत्यादि काटने के लिए किया जाता है। सेकंड है मीडियम ब्लेड, मीडियम ग्रेड की ब्लेड। इसका पिच 1.4 mm होता है। इसका प्रयोग कार्बन स्टील, कास्ट आयरन आदि धातुएं काटने के लिए किया जाता है। थर्ड है फाइन ग्रेड की ब्लेड, जिसकी पिच 1 mm होती है। इसका प्रयोग कठोर धातुएं, चादर, पाइप आदि काटने के लिए किया जाता है। फोर्थ है वेरी फाइन ग्रेड की ब्लेड, जिनका पिच 0.8 mm होता है। इनका प्रयोग कठोर धातुओं तथा पतली गेज की चादरों को काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हेक्सा ब्लेड्स अकॉर्डिंग टू ग्रेड। ब्लेड के दांतों को दाएं व बाएं मोड़ने की विधि को दांतों की सेटिंग कहते हैं। ब्लेड के दांतों की लाइनिंग 3 प्रकार से की जा सकती है। फर्स्ट है सिंगल सेटिंग। इसमें ब्लेड के एक दांतों के दाएं व दूसरे को बाएं मोड़ दिया जाता है और प्रत्येक तीसरे दांते को सीधा रखा जाता है ताकि कटा हुआ बुरादा आसानी से बाहर निकल सके। यह सेटिंग कोर्स पिच ब्लेड्स में की जाती है। इसे रेकर सेट भी कहते हैं। सेकंड है डबल अल्टरनेट सेटिंग। इस प्रकार की सेटिंग में हर दांते को दाएं तथा बाएं मोड़ दिया जाता है। यह सेटिंग मीडियम पिच ब्लेड में पाई जाती है। इसे स्ट्रेट सेट भी कहते हैं। थर्ड है जिग जैग सेटिंग। कभी कभी ब्लेड के दांतों को लहर की भांति मोड़ दिया जाता है। फाइन पिच के ब्लेड में यह सेटिंग पाई जाती है। कठोर धातु के लिए फाइन प्लस ब्लेड यूज़ की जाती है। मुलायम या नरम धातु के लिए कोर्स पिच ब्लेड यूज़ की जाती है, जैसे कॉपर, ब्रास व सीसा। इसमें पिच 1.8 mm होती है। पतली चादर के लिए फाइन पिच ब्लेड, मोटी धातु के लिए कोर्स पिच ब्लेड यूज़ की जाती है। इसकी पिच भी 1.8 mm होती है। साइड में है कार्य के अनुसार ब्लेड का चयन। माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन, इसमें पिच 1.6 है। मीडियम कास्ट स्टील के लिए 1.4, हाई कार्बन स्टील के लिए, अलॉय स्टील व सीड्स के लिए पिच है हमारी 0.8 mm। इन्हें कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? लेंथ, थिकनेस, पिच, विड्थ, टाइप एंड टीथ। एग्जांपल है 300 × 0.8 × 0.8 × 13, हार्ड या फ्लेक्सिबल, सिंगल एज या डबल एज। नेक्स्ट पॉइंट है हेक्साइंग। ये दो तरीके से कर सकते हैं, बाय हैंड हेक्सा जो हम देख चुके हैं, और सेकंड है बाय मेटल सा मशीन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पावर सा। इसके ब्लेड हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। लेंथ 25 mm होती है और 4 से 14 टीथ होते हैं। वापसी स्ट्रोक ही कटिंग स्ट्रोक होती है इसमें, और दांते भी पीछे की ओर होते हैं। सेकंड है हॉरिजॉन्टल बैंड सा। पावर सा की अपेक्षा बहुत जल्दी काटती है, लगातार कटाई होती है। थर्ड है सर्कुलर सा, जिसके कार्बाइड टिप की बनी होती हैं ब्लेड। लार्ज क्रॉस सेक्शन काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है कंटूर और डूऑल सा। बैंड सा मशीन है, इसका प्रयोग टूल रूम में ज़्यादा किया जाता है। लगातार सीधी या आड़ी टेढ़ी कटाई के लिए इसको काम में लाया जाता है। आड़ी टेढ़ी कटाई के लिए कम चौड़े ब्लेड्स की ज़रूरत पड़ती है, और हार्ड धातुओं के लिए फाइन पिच ब्लेड व कम स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। आम कामों के लिए 10 mm पिच की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी लंबाई 300 mm तक होती है।
हार्डवेयर थिन मेटल्स को काटने के लिए 14 mm पिच की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम ब्लेड के दो दांते ज़रूर धातु के स्पर्श में आने चाहिए। साधारण कार्यों तथा बड़े सेक्शन वाले जॉब्स को काटते समय अधिक पिच क्लियरेंस होना चाहिए। कम चौड़े सेक्शन वाले व हार्ड धातु काटते समय फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग होना चाहिए। ब्लेड कुछ गहराई तक मेटल में प्रवेश करने के बाद हेक्सा को 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट पर चलाना चाहिए। मेटल को काटते समय यदि ब्लेड बीच में टूट जाए तो पुराने ब्लेड द्वारा ही कट पूरा करें, और यदि ऐसा संभव ना हो तो कार्य के विपरीत किनारे से नया कट लगाकर हेक्साइंग पूरी करें। एक ही माप के जब बहुत से पीस काटने हो तो स्टॉप गेज को प्रयोग में लाना चाहिए। सेंटर टू सेंटर जो लेंथ होती है उसे हम नॉमिनल लेंथ कहते हैं, और एंड टू एंड जो लेंथ होती है ब्लेड की उसे हम ओवरऑल लेंथ कहते हैं। जिगजैग सेटिंग 2 या 3 अनुपात में कटे होते हैं। चौड़ाई 3 से 5 mm होती है। पावर सॉ के प्रकार, फर्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ मशीन, सेकंड है फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सॉ मशीन, थर्ड है सर्कुलर पावर सॉ मशीन। हेक्सा से सीट कटिंग के लिए ब्लेड की टूथ पिच नीची होनी चाहिए। हेक्सा ब्लेड द्वारा काटते समय कटिंग स्ट्रोक 50 से 60 प्रति मिनट तक होना चाहिए। हेक्सा ब्लेड की टीथ सेटिंग कटाई का घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। छोटे व्यास की धातु काटते समय जॉबों को देखते रहना अनिवार्य है, कट मार्किंग के अनुसार है या नहीं। अधिक चौड़े जॉब को गहरा काटने के लिए डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम प्रयोग में लाया जाता है। पुराने कट में नया ब्लेड इसलिए प्रयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि कटिंग करते समय ब्लेड कम क्लियरेंस के कारण फंस जाता है। हेक्सा ब्लेड कुछ स्ट्रोक के बाद ढीला हो जाता है क्योंकि विंगनट की चूड़ियां घिस चुकी हैं। ब्लेड सेटिंग गलत होने के कारण ब्लेड चिप क्लॉगिंग और कम सॉइंग करती हैं। हेक्सा का कट सीधा नहीं है, इसका कारण है ब्लेड की टेंशन कम है। ब्लेड ब्लंट हो जाता है, इसका कारण है कटिंग करते समय कूलेंट प्रयोग नहीं किया गया, हेक्साइंग की स्पीड अधिक है। ब्लेड जल्दी जल्दी टूटता है, इसका कारण है फ्लेक्सिबल के स्थान पर ऑल हार्ड ब्लेड का चुनना, और ब्लेड की टेंशन बहुत अधिक है। ब्लेड के कुछ दांते टूट जाते हैं, इसका कारण है पतली ट्यूब को काटने के लिए कोर्स पिच का ब्लेड चुना है। नेक्स्ट पॉइंट है चिजल। ये हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या टूल स्टील की बनी होती हैं। इसकी बॉडी हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल शेप की बनी होती है। यह हार्ड एंड टेम्पर कटिंग एज फ्रॉम 25 to 35 mm लेंथ की होती है। इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं लेंथ और विड्थ ऑफ कटिंग एज और IS नंबर से, जो है 4021964। ये दो प्रकार की होती हैं, हॉट चीजल कोल्ड चीजल। हॉट चीजल में ब्लैक स्मिथी या फॉर्जिंग शॉप में प्रयोग किया जाता है। मध्य में हत्था लगा होता है या लोहे का ग्रिपिंग हैंडल लगाया जाता है। इसके पॉइंट को पानी में बार बार ठंडा किया जाता है। कोल्ड चीजल में वर्कशॉप में प्रयोग की जाती है, परंतु फिटर व शीट मेटल सेक्शन में यह अधिक प्रयोग में लाई जाती है। यह 4 से 4, 6 या 8 पहल की बनी होती है तथा हेड 10 से 12 डिग्री चैम्फर किया होता है।
लंबाई 150 से 200 mm होती है। कुछ विशेष कार्यों के लिए 50 से 100 mm तक की छेनी प्रयोग में लाई जाती है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, हेड बॉडी फॉर्जिंग एंगल कटिंग एज कटिंग एंगल। हेड 10 डिग्री से 12 डिग्री चैम्फर किया होता है। यह हार्ड एवं टेम्पर नहीं होता, अर्थात नरम होता है। मध्य भाग उठा हुआ होता है जिससे चोट सेंटर में ही लगती है। मशरूम हेड वाली छेनी से काम करना हानिकारक है, ग्राइंड करके ठीक कर लेना चाहिए। सेकंड है बॉडी, 6 या 8 पहल का बनाया जाता है जिससे पकड़ने में आसानी हो। इसके नीचे का भाग चपटा होता है जिसे फॉर्जिंग एंगल कहते हैं। बॉडी को स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्जिंग एंगल, इसे ड्राइंग एंगल भी कहते हैं। यह बॉडी के आगे व कटिंग एज के पीछे वाला टेपर भाग होता है। कटिंग एज, यह हार्ड टेम्पर व ग्राइंड किया होता है। इसकी चौड़ाई से ही छेनी का माप लिया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोल्ड चीजर्स। ये 7 टाइप्स की होती हैं, फ्लैट, क्रॉस कट, साइड, काउ माउथ, राउंड नोज, वेब चीजल, डायमंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है इसमें फ्लैट चीजल। इसका प्रयोग समतल सतह से अनावश्यक माल हटाने, पतली चादर या सरिया आदि काटने के लिए किया जाता है। आकार ISI के अनुसार इसकी विड्थ 16 से 13 mm होती है। लेंथ 100 से 400 mm होती है। फॉर्जिंग एंगल 25 से 30 डिग्री, कटिंग एंगल 60 डिग्री साधन कार्यों के लिए। यह कोण धातु की हार्डनेस व सॉफ्टनेस पर ज़्यादा या कम किया जाता है। हार्डनेस में अधिक, सॉफ्टनेस में कम एंगल होता है। 10 mm तक हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। कटिंग एज थोड़ा गोलाई में ग्राइंड किया होता है जिसे कन्वेक्स एज कहते हैं। सेकंड टाइप है इसका क्रॉस कट चिजल, इसे कैप चिजल भी कहते हैं। इसका प्रयोग कीवे बनाने के काम, चौरस नलियां और झिरियां भी बनाई जाती हैं। कटिंग एज वेड्थ 4 से 12, लेंथ 100 से 400 mm, कटिंग एज से पीछे का भाग कम चौड़ा होता है जिससे यह ग्रूव या स्लॉट में नहीं फंसती। फॉर्जिंग एंगल 30 डिग्री, कटिंग एंगल 60 डिग्री। फॉर्ज किया हुआ भाग पीछे की ओर थोड़ा सा पतला होता है जिससे कटिंग करते समय क्लियरेंस मिल जाता है। नेक्स्ट है राउंड नोज चीजल। इसका प्रयोग छेनी बियरिंग में ऑयल ग्रूव्स काटने तथा गोल कोने या जरियां काटने, ड्रिलिंग करते समय जब ड्रिल लॉ एंटर से आउट हो जाता है और दूसरी ओर कटाई शुरू कर देता है तो ड्रिल को सेंटर पर लाने के लिए किया जाता है। आकार ISI के अनुसार इसकी विड्थ 2 से 16 mm होती है और लेंथ 150 से 250 mm तक होती है। फॉर्जिंग एंगल 30 डिग्री, कटिंग एंगल 35 से 40 डिग्री होता है। नेक्स्ट टाइप है इसका डायमंड पॉइंट चीजल। इसका प्रयोग वी आकार के खांचे तथा वर्गाकार कोने आसानी से बनाए जा सकते हैं। आकार ISI के अनुसार विड्थ 6 से 16 mm, लेंथ 100 से 400 mm तक होती है। चौरस तथा टेपर फोर्ज की होती है और कटिंग एज वी के आकार में ग्राइंड किया होता है। नेक्स्ट टाइप है इसका साइड कट चिजल। इसका प्रयोग की क्वार्टरवेज या खांचे काटने, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नलियां के कोनों को ठीक करने के लिए किया जाता है। फॉर्जिंग एंगल 25 डिग्री, कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट टाइप है काउ माउथ चीजल। इसका प्रयोग चादरों को गोल काटने तथा उनमें गोल छिद्र बनाने के लिए और कास्टिंग किए जॉब्स के उठे हुए भागों को उड़ाने के लिए किया जाता है। रिवेट हेड को साफ ट्रिम करने या रबर के वॉशर काटने के लिए किया जाता है। फॉर्जिंग एंगल 25 डिग्री और कटिंग एंगल काम के अनुसार देखा जाता है। नेक्स्ट टाइप है इसका वेब चिजल, पंचिंग चिजल भी कहते हैं। इसका प्रयोग चेन ड्रिलिंग द्वारा किए गए सुराखों के मध्य किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें चिपिंग विधि से 6 mm तक माल काट सकते हैं। जॉब अथवा सीट के नीचे नरम स्टील प्लेट रखनी चाहिए। चिपिंग के लिए आमतौर पर 0.75 kg का हैमर प्रयोग किया जाता है। लंबाई 15 से 30 mm तक होनी चाहिए। कभी भी कट 2 या 3 mm से अधिक नहीं लेना चाहिए। चिपिंग करते समय चीजल के कटिंग एज पर तेल लगाते रहना चाहिए, इससे चीजल का टेम्पर बना रहता है। कटिंग एज को ग्राइंड करते समय जलने से बचाने के लिए बीच बीच में उसे पानी में ठंडा करते रहना चाहिए, अन्यथा एज की टेम्पर समाप्त हो जाएगी। छेनी के कटिंग एज को
सीधा ग्राइंड ना करके उसे कुछ कन्वेक्स बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हीट ट्रीटमेंट ऑफ चीजल। कटिंग एज की ओर से आधी लंबाई तक गर्म करें। कटिंग एज को 20 से 25 एमएम की लंबाई तक पानी में डुबोकर ठंडा कर लें। पानी में से कटाई किनारे को निकाल कर रेती, रेगमार अथवा ईंट के साथ रगड़ कर साफ करें। साफ किए तल पर आ रहे विभिन्न रंगों का निरीक्षण करें। ठीक रंग प्रकट होने पर छैनी को पानी में डुबोकर ठंडा कर लें। छैनी द्वारा कास्ट आयरन को काटते समय कट को कार्य के दोनों सिरों से शुरू करके बीच में समाप्त करना चाहिए। 100 mm से कम लंबाई की छैनी का प्रयोग करना चाहिए। हार्ड धातु को चिपिंग करते समय यदि कटिंग एंगल कम हो तो कटिंग पॉइंट टूटने की अधिक संभावना होगी। रेक एंगल के बीच का कोण होता है कटिंग एज व फेस के निचले भाग वाला कोण। चिजल मेटल में धसेगी जब झुकाव कोण अधिक होगा। कटिंग एज थोड़ा सा कन्वेक्स ग्राइंड किया जाता है ताकि किनारों को जॉब में फंसने से बचाने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें।